यूपी के शाहजहांपुर जिले में एक कंप्यूटर टीचर पर 13 विद्यार्थियों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला शाहजहांपुर के तिलहर इलाके में बने एक जूनियर हाई स्कूल का है। आरोपी कंप्यूटर शिक्षक मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उस पर पॉक्सो समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है। ये FIR ग्राम प्रधान की ओर से दायर की गई है। आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी की सेवा समाप्त करने की संस्तुति कर दी है, जबकि आरोपी टीचर की इस घिनौने काम में मदद करने वाली सहायक अध्यापिका और स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। SSP शाहजहांपुर S. आनंद का कहना है कि मोहम्मद अली पर अलग अलग क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। ग्राम प्रधान लालता प्रसाद की तहरीर पर FIR दर्ज कर जाँच की जा रही है। बाल कल्याण समिति को भी घटना की सूचना दे दी गयी है। कंप्यूटर शिक्षक पर बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप की बच्चियों के बयान में पुष्टि हुई है। प्रधानाचार्य और एक सहायक अध्यापिका पर आरोपियों का साथ देने का आरोप है। तहरीर के आधार पर शिक्षक मोहम्मद अली, सहायक अध्यापिका शाजिया खान और प्रधानाचार्य अनिल कुमार के खिलाफ धारा 354 SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। SP देहात शाहजहांपुर संजीव वाजपेयी का कहना है कि मोहम्मद अली की उम्र 45 साल है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चियों के साथ गंदी हरकत करने के बाद मोहम्मद अली कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह के मुताबिक बच्चियों का मेडिकल हो चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई कर रही है। टाइम्स नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।